भाइयों फिर से एक नए बार आप सभी का स्वागत है। अभी मेरे पास देख सकते हैं स्प्लेंडर आइसमार जो आता है हीरो का ऑन टेन वाला बाइक, उससे गाइस पूरा मेरे पास अभी इंजन है। देख सकते इधर नॉट बोर्ड रखा हुआ, इधर पाइस मैंने वॉश करके सराज रख लिया। इसका मेरा हर सामान जेन्युइन सामान में यूज़ कर रहा हूँ, देख सकते हैं पूरा हम लोग का जेन्युइन सामान है। होंडा का हीरो का तो जेन्युइन यूज़ कर रहा हूँ। इधर मेरा इस तो ए टू जेड गियर बॉक्स है, कम्प्लीट चैम्बर है। तो अभी इसका हम लोग पूरा ए टू जेड फिटिंग करेंगे। और अभी तक अगर आप लोग इसका पूरा ए टू जेड गियर बॉक्स का फिटिंग नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मैंने पूरा पिनियन को भी करके दोबारा सेट किया है, तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। ताकि हम पूरा इसका हेड सिलेंडर फिटिंग कलर से टू जेड फिटिंग बताने वाले। तो वीडियो पूरा इंटरेस्टिंग है, फिर वीडियो पूरा देखना हो चैनल को पहले आप लोग आए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अगर आप लोग सारा सामान का प्राइस दिखा देता हूँ, क्या क्या प्राइस है, क्या क्या इसका मैं डालने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले बात करें इसका फुल पैकिंग किट का, आप लोग उसका फुल पैकिंग का प्राइस देख सकते गाइस 560 रुपये प्राइस है। ओरिजिनल फुल पैकिंग किट का स्प्लेंडर आइसमार्ट जो खड़ा इंजन आता है उसका 560 रुपये पैकिंग किट है। साथ से इतना मार्ड रहा ब्लॉक किट, ब्लॉक किट के मार्ग आपको दिखाता हूँ ब्लॉक किट के एमआरपी कितना है। देख सकते हैं 3000 रुपये ब्लॉक किट के एमआरपी, इसका पार्ट नंबर है हम लोग का 3000 रुपये ब्लॉक किट के एमआरपी है। साथ हम लोग का डाल रहा हूँ क्लच प्लेट, हम लोग क्लच प्लेट के एमआरपी दिखाता हूँ। देखिए 392 रुपये क्लच प्लेट का है। हम लोग का ये प्रेशर प्लेट भी नया डाल रहा हूँ, 135 रुपये प्रेशर प्लेट है। साथ से इसका मैं डाल रहा हूँ डीवीडी ऑयल पम्प है, हम लोग का यह डीवीडी पिनियन है, इसमें हम लोग का ऑयल पम्प है। चले दिखाता हूँ मैं इसमें क्या निकलता है। देखिए हम लोग का जीबीडी पिन ओरिजिनल डाल रहा हूँ, ओरिजिनल जीबीडी में डाल रहा है, साउंड क्वालिटी गजब आएगा इसलिए ओरिजिनल डाल रहा हूँ। साथ ही ऑयल पम्प खराब हो चुका था इसलिए ऑयल पम्प डाल रहा हूँ। हम लोग का ऑयल पम्प का मार्केट 310 रुपये ऑयल पम्प है। सारे चीज़ हम लोग का ओरिजिनल प्लग है, हम लोग का वायरिंग किट है, हम लोग का स्पोकट बैरिंग है, सॉरी हम लोग का ऑयल पम्प का स्पोकट वाला है। साथ हम लोग का ये भी स्पोकट है, हम लोग का ही होलसेल किट है। इधर भी देख सकते हम लोग का है, हम लोग का पंप है ऑयल का। चलिए इन सभी चीज़ को हम लोग फिटिंग करते हैं, फिर आप लोग को बताते हैं डिटेल के साथ किस तरह फिट करना चाहिए। तो वीडियो को लाइक कर चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि डेली इंटरेस्टिंग जानकारी मिल पाए आप लोग को। डेली देख सकते मेरा सामान किस तरह मेरा रखा हुआ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अभी इसका हम लोग बैठाएंगे क्रैंक, और क्रैंक से बढ़ा लेते हैं वो सब गियर बॉक्स और फिटिंग डिस्क्रिप्शन में गए लिंक दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग करेंगे इजीली, हम लोग क्रैंक से जाएगा थोड़ा सा मुश्किल मिलेगा, स्प्लेंडर करेंगे सब पता ही है कि इजीली जाता है, सब टॉप नहीं होता है, थोड़ा सा वायल यूज़ कीजिएगा तो लोग हो जाएगा इजीली चल जाएगा। तो हम लोग का करेंगे परफेक्टली वेट भी किया, काम भी कर रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल, और यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा उसको, यहाँ पर ऐसे मैं वॉइस दे रहा हूँ वीडियो पर, ताकि मेरा कभी कभी मेरा हो सकता है कि मेरा आवाज़ मेरा काम के साथ मैनेज ना करे, इसलिए थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर ओरिजिनल पैक यूज कर रहा हूँ, किसी भी तरह का बॉन्ड में उस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ओरिजिनल पैक यूज कर रहा हूँ। और पैकिंग किट का जो कीमत है ना गजेब कीमत है, 560 रुपये का इस पैकिंग आता है ओरिजिनल आइसमार्ट का, गाइस इतना महंगा पैकिंग मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। तो चलिए अभी हम लोग क्या करेंगे, चैम्बर बैठाएंगे, पैकिंग बैठ चुका अब चैम्बर बैठाएंगे। तो क्या करेंगे, हम लोग थोड़ा ना हम लोग किक का सापट है, इसको थोड़ा सा प्लास्टिक पकड़ के घुमाएंगे, हम लोग का इजिली बैठ जाएगा कुछ यहाँ पर, मतलब हम लोग को ठोकना वोकना नहीं पड़ेगा। अभी सर भाई हैम्बर यूज़ करते बट नहीं यूज़ करना पड़ेगा, अगर आपको सही तरीका पता है तो इजिली बैठ जाएगा। देखिए मैं किस तरह बैठाया, इजिली बैठ गया, मैं ठोका नहीं कुछ नहीं किया, इजिली बैठ गया देख सकते हैं। तो अभी चलिए सर नॉट बोर्ड टाइट करते, फिर आप लोग को फाइनली इसका कंप्लीट दिखाते हैं। तो अभी हम लोग नॉट बोर्ड सर शॉर्ट कर टाइट, हम लोग इसका फिट करेंगे ऑयल पम्प, हम लोग का ओरिजिनल ऑयल पम्प डाल रहा हूँ, ताकि इस बाइक में जो प्रॉब्लम आया था ऑयल का ही लिए प्रॉब्लम आया था, कि हम ऊपर ऑयल नहीं चल पा रहे, इसलिए इसका करेंगे अगर पूरा वाट लग चुका था। चलो हम लोग ऑयल पम्प को फिटिंग करेंगे, तो इस तरह सेंटर में बिठा लेंगे, अगर ना बैठे तो इंजन खड़ा करके बिठाएंगे। चलिए मैं इंजन को थोड़ा सा करूँगा ऊपर, हम लोग अभी तक सेंटर नहीं आया है, देखिए मैं नीचे से घुमाने की कोशिश कर बट लगता नहीं है। हम लोग इस तरह से रखेंगे इसको उठा के, और हम लोग इसको देखेंगे घुमा के इस तरह को पंप बैठाएंगे अच्छा से। चलिए इस तरह मैं देखूंगा और इस तरह पंप सेटिंग करूंगा, इस तरह आप भी कर सकते हैं। देखिए इजीली बैठ गया, हमको ताकत का उपयोग नहीं करना, अकल का उपयोग करना है। तो चलिए हम लोग का अब 2-8 का बोल्ट आएगा, मैं टाइट भी कर ली, अभी इसको हम लोग क्लच के असेंबली फिटिंग करेंगे, मैंने गियर का जूम में करने पर सब सेट करेंगे। यहाँ पर गाइस अच्छे से बताना चाहूँगा, इसके पहले हम लोग का थोड़ा भी नहीं है, तो अगर इस तरह हम लोग इसे फिटिंग कर देंगे तो हम लोग का गियर हार्ड रहेगा, प्लस गियर संपूर्ण में आएगा, तो इसको हम लोग सबसे फ्री रहना, पहले रहना, पहले किस तरह ना है, दो नट वगैरह हम लोग फंसा लेंगे इस तरह से, और एक रेंच का मार से इसको हम लोग ठोकेंगे, हम लोग का जो सापट है इसलिए पहले आ जाएगा, और पहले अगर नहीं रहेगा तो उसमें कोरोमो में आएगा क्या है कि हम लोग का गियर हार्ड रहेगा, प्लस गियर सही तरह से काम नहीं करेगा, क्लच भी सही से काम नहीं करेगा। इस तरह से मारना हम लोग का इजिली, हम लोग का सापट है पहले आ जाएगा, अगर एक बार साफ तीनों दो तीन मारे के पहले 100% आ जाए। तो मैं एक बार ही मार के पहले आ चुका है। अब चलिए इधर का हम लोग पिन लगाएंगे, जो छोटा छोटा पिन आता है, तीन चार पिन आएगा और दो छोटा पिन, थोड़ा छः पिन आएगा। तो चलिए इधर 6 पिन को लगा लेते हैं हम लोग, उसके बाद हम लोग फिर थोड़ा सा ठोक के लगाएंगे, थोड़ा जाम पकड़ रहा है, थोड़ा सा इसको ठोक के हम लोग लगा देंगे। चलिए इसको लगा दो, इसका हम लोग इसका स्टार वगैरह लगाएंगे,
तो चलो फटाफट इन सब चीज़ को लगाते हैं। वीडियो पर आप लास्ट तक बने रहे, आप लोग का पूरा बताऊंगा इसका ए टू जेड जो भी हेड सिलेंडर कंप्लीट फिटिंग बताऊंगा आप लोग। अगर न्यू मैकेनिक आप लोग अगर काम सीख रहे आप लोग ना तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, आप लोग को डेली इन्फॉर्मेशन मिलेगा हर बाइक के बारे में, बाइक स्कूटी बुलेट हर चीज़ के बारे में। गाइस मैं अपने चैनल इसका जानकारी लेकर आता हूँ। तो चलिए मेरा बूस्ट थोड़ा सा निकल गया था इसलिए मैं ठोक के हम लोग मैंने बैठा लिया अंदर। अब चलिए इसका साफ ये इसको क्लच साफ गियर साफ बोलते हैं। चलिए इसको हम लगाएंगे गियर साफ को, इसको हम लोग फिटिंग करेंगे। थोड़ा सा हम लोग गियर का जो फिंगर होता है उसको थोड़ा सा साइड में खींचेंगे, हम लोग का इजीली बैठ जाएगा। चलिए हमको बैठ चुका अंदर, अब इसको क्या करेंगे थोड़ा सा फिंगर को खींचेंगे इधर, इस तरह से बैठ जाएगा अंदर, देख सकते हैं बैठ जाए। आपसे अगर ना हो तो आप पाँच नंबर के लिंक है, लिंक के मदद से फिंगर को यूज़ कीजिएगा इजीली बैठ जाएगा। बट मैं इस तरह उसको बिठा रहा हूँ, ज़बरदस्ती ना करें वरना फिर फिंगर बैंड हो सकता है। तो चलिए इसको हमें थोड़ा सा प्लस के मदद से पैच के मदद से इस तरह से हम लोग इजीली बैठा लेंगे, देख सकते हैं बैठ गया हम लोग का बैठ चुका। अब यहाँ पर हम लोग आएंगे, हम लोग को एक हम लोग का जो पत्ती आएगा पत्ती को लगाएंगे, इसको हम लोग आएंगे इसका स्टार। चलिए हम लोग को थोड़ा पिन लगा लेते, इसका पूरा पत्ती आएगा, इसका टॉप में हम लोग का स्टार आएगा, इस तरह से पत्ती लगाएंगे, इसका हम लोग फिर स्टार को लगाएंगे। मेरा पर प्लेट को लगाने वाला है, चलिए हम प्लेट बैठा देते हैं, इस तरह से बैठ जाएगा इजीली। प्लेट का भी कैसे अगर उल्टा प्लेट बैठेगा तो हम लोग का नट जो है तो लगेगा नहीं, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा आप लोग। अगर हम लोग का प्लेट उल्टा बैठ जाएगा तो हम लोग का नट जो ऊपर से लगेगा 10 नंबर का हम लोग का लगेगा नहीं। अब चलो हम लोग कैसे बोलते हैं गियर का स्टार, इससे हम लोग स्टार बोलते हैं, गियर स्टार इसका नाम है। चलो हम लोग स्टार को सेटिंग करेंगे अच्छा से, परफेक्ट तरीके स्टार सेटिंग मैंने कर लिया। अब यहाँ का एक ब्लैक बोल्ट आएगा 10 नंबर का बोल्ट, नट नहीं इसे बोल्ट कहते, नट नहीं कहते इसे बोल्ट कहते। चलिए इस बोल्ट को हम लोग टाइट करते हैं फटाफट, 10 नंबर का 10 है, 10 में का 18 मार्क में हम लोग करें टाइट। चलिए इसको फटाफट कर लेते टाइट, हम लोग देख सकते हम लोग का टाइट हो चुका है फाइनली। गाइस स्टार्ट कर रहा हूँ, मेरे को सपोर्टर है ही नहीं कि मैं अकेले कर रहा हूँ, मेरा गियर भी गाइस मेरा सब परफेक्टली काम कर रहा है। तो अब चलिए क्लच का मैकेनिज्म सेटिंग करते हैं। तो चलिए हम डीवीडी पिन डाल, डीवीडी पिन न्यू डाल रहा हूँ, और सारा समय का प्राइस आप लोग को मैं पहले ही दिखा चुका है कि इसका प्राइस क्या है, इसका पार्ट नंबर क्या है, मैं आप लोग को पहले ही दिखा चुका है। चलिए यहाँ वो शॉट डाल देंगे, यहाँ पर इसका एक बूस्ट आएगा, बूस्ट को भी डालेंगे, यहाँ पर एक बूस्ट आएगा, बूस्ट मैंने डाल दिया। सेम स्प्लेंडर जैसा ही है, कुछ मुश्किल नहीं है, सेम स्प्लेंडर जैसा ही है इंजन गाइस, सेम स्प्लेंडर जैसे मैकेनिज्म है, बट उसका जो मॉडल है इंजन का वो अलग है, बट सारा कुछ सेम है। स्प्लेंडर क्लच प्लेट लगेगा, स्प्लेंडर का जीवडी पिनियन, हर एक सामान स्प्लेंडर का रहेगा, बट सिलेंडर किट बाद देखें। चलिए हम लोग का हाउसिंग बैठ चुका, अब इधर का जो काटा हुआ लॉक रहता है वॉशर रहता है, हम लोग का पतला वॉशर रहता है, उन सब चीज़ को लगाते हैं। यहाँ पर पतला वॉशर रहेगा, सिर्फ वो पतला वॉशर लगाते हैं। अब इसका तो हम लोग काटा वॉशर बोलते हैं, लॉक ही बोलते हैं, काफ़ी भाई उसका अगला नाम उसे जानते हैं, क्या आप लोग बोलते हुए कॉमेंट में प्लीज़ बता दीजिएगा, ताकि मुझे भी कुछ नया सीखने को मिले नया नाम। हमें दोस्तों कटा लॉक बोलते हैं, वॉशर ही बोलते हैं हम लोग उसको। तो चलिए इसको लगा लिया, अब इसके अंदर टोपी वाला वॉशर लगाएंगे, जिस हम का टोपी ऐसा बना रहता है एक तरफ गड्ढा उसको लगाएंगे। जिस हमारे क्लच का मैकेनिज्म को ओरिजिनल क्लच प्लेट सेंटर पूरा डाल रहा हूँ, थोड़ा सा लूप करेंगे, हम लोग का ऑयल जाने में टाइम लगता है क्लच के पास, तो हम लोग थोड़ा सा इसका ऑयल देके लूप कर लेंगे क्लच प्लेट को। अब चलिए इसको हम लोग बैठा देंगे, इजीली बैठ जाएगा, मुश्किल नहीं होता, इजीली हम लोग इसको बैठा सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं आता है उसकी सब चीज़ों में। चलिए हम लोग इसको इजीली लगा लेते हैं, इस तरह से देख सकते हम लोग का इजीली लग चुका। अभी क्या करेंगे, इधर का नट लगाएंगे, हम लोग का छोटा जो नट इधर लगेगा बड़ा नट करेंट पर लगेगा, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, इस चीज़ का पहले को भी चेक कर ले, काफ़ी समय तो पहले ख़त्म हो जाता ना, तो इसका मतलब हम लोग का सही से बैठा नहीं है। चलिए हम लोग का लग चुका है, अब उसको हम लोग करेंगे टाइट, हम लोग को नट लगा करेंगे टाइट, हम लोग गोटी है इसको छैनी हथौड़ा का यूज ना करें, गोटी से परफेक्ट तरीके से अच्छा अच्छा टाइट करें इंजन में, खास करके इंजन के बाद बोलो उसमें छैनी हथौड़ा हरगिज़ यूज ना, काफ़ी सारे ऐसे भाई को मैं देखा है कि छैनी यूज करते हैं, इस सब का यूज़ नहीं करना चाहिए, परफेक्ट पुलर के साथ काम करें तो काम करने का मज़ा अलग है, अगर आप छैनी हथौड़ा यूज़ करते तो काम करने का मज़ा नहीं मिलेगा। तो चलिए मैं लगा लिया, पहले भी मेरा है, अभी चलिए स्प्रिंग लॉक हम लोग का जो स्टोपर पत्ती होता है उसको लगा लेते हैं, स्टोपर होल्डर क्लच होल्डर जैसे बोलते हैं उसका लगा लेते हैं। सारे स्प्रिंग मैं लगा लिया, पूरा प्लेट लगा कर हम लोग का जो 10 नंबर का बोल्ट आता है, 10 नंबर का आएगा, 10 नंबर का बोल्ट लगा लगा हम लोग टाइट कर देंगे सारा चीज़ को। 10 नंबर का 3-4 बोल्ट आएगा, वाइट बोल्ट रहेगा यहाँ पर 10 सारा। चलो इस सभी को लगाते हैं फटाफट, आप लोग को फिर दिखाते कवर करते हैं। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो इतना दूर का वीडियो पर मेरा आ चुके हैं, तो प्लीज़ लास्ट तक बने रहिए, आपसे मैं
रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि डेली इंटरेस्टिंग जानकारी गाइस मैं आपके आप लोग को देता रहूँ। तो फाइनली हो चुका है टाइट, अब पूरा परफेक्टली सब कुछ काम भी कर रहा है। तो अभी हम लोग यहाँ लगा देना, आपका सफाई होना जरूरी है। इस इंजन को सफाई के साथ काम कर रहा हूँ, मज़ा आ जाएगा इंजन काम करने से। सफाई का हुआ तो काम करने का मज़े कुछ अलग है। तो चलिए अब इधर का हम लोग सीक्रेट फिल्टर लगाएंगे। इसमें सीक्रेट फिल्टर का ऑयल फिल्टर के नाम पे जानते हैं। चलिए इसको लगा लिया, मैं न्यू ओरिजिनल यूज कर रहा हूँ, इसको नया है। इसका हम लगा है क्लच का कटोरा, इसे हम बोलते हैं। कटोरा लगाने से पहले इसका क्लच का बैरिंग लगा लेंगे। हम लोग का बैरिंग लग चुका देख सकते हैं। अब बैरिंग लगाने से पहले जब हम थोड़ा सा इसको हीट कर लेंगे, अंदर पूरा पहुँचा देंगे तो हम लोग का परफेक्टली फिर गया देख सकते हैं। तो अभी क्या करेंगे, हम लोग क्लच का कटोरा लगाएंगे। कटोरा मतलब उसका 8 नंबर कंट रहेगा, और आप ओल्ड मॉडल कर रहे वो इंजन, तो उसमें 10 नंबर का था ओल्ड मॉडल में, बट न्यू मॉडल आई स्मार्ट है इसमें 8 नंबर का है। इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा दोस्तों। इस इंजन का काफ़ी सारे बाइक इंजन का फिटिंग करते हैं, तो हीरो का जितने बाइक है सोच का सब फिट कर सकते हैं। आई स्मार्ट वन का सेम इंजन है, सब कर सकते हैं, ईजिली हो सकता है। चलिए इसको करते हैं टाइट, हम लोग परफेक्ट तरीके से फिर आएगा स्टॉप पर आपको दिखाते हैं। अभी उसको हुआ टाइट, एक मिनट टाइट खोज कर रहा है, दूसरा को हम लोग करेंगे टाइट ना। ऐसे हम लोग को संग वॉइस नहीं दे पाता हूँ का एक काम आता है ना, कस्टमर बगल मेरा आता है तो क्या बताया, संग वॉइस नहीं दे पाता हूँ का। अक्सर वीडियो मेरा वॉइस ओवर ही आता है, अक्सर वीडियो मेरा वॉइस ओवर करके बहुत मेहनत करना पड़ता है आप लोग के लिए। बहुत मेहनत करता हूँ आप लोग के लिए कि आप लोग को जानकारी देने के लिए। एक वीडियो एडिटिंग करो, वॉइस ओवर करो, बहुत अच्छा मेरा करो। चलो कंट्रोल लगाएंगे। चलिए इधर हम लोग सारा नॉर्मल टाइट करते हैं, फिर आप लोग को फाइनल हेड सेंटर का फिटिंग दिखाते हैं। चलिए इधर हम लोग इतना भी मैगजीम होता है सारा चीज़ की, इधर का हम लोग टाइट का फिटिंग कर लेते हैं फटाफट। यहाँ पर वॉशर रहेगा और बड़ा सा नट आएगा। चलिए सब लगाते हैं, हम लोग का नट को अभी हम लोग लगा लेंगे। तो अभी नट को करेंगे टाइट हम लोग अच्छा से। चलिए नट टाइट हो चुका, हम लोग का वॉशर भी टाइट हो चुका है, मैंने सारा चीज़ को टाइट कर लिया, पैकिंग में बैठा दिया। अब चलिए हम लोग का यहाँ कवर लगाते हैं, फिर हम लोग का हेड सेंटर फिटिंग कवर करते हैं इस वीडियो पर। तो चलिए हम लोग का कवर मैंने लगा लिया, चैम्बर, चलिए चैम्बर मैंने बैठा लिया। अभी क्या करेंगे, हम हेड सेंटर का फिटिंग दिखाते हैं आप लोग का। चैम्बर में इजीली चल जाएगा, ठोका ठोक ना करे, इजीली आप परफेक्ट तरीके से लगा सकते हैं। कुछ भी आप लोग का हैम्बर वगैरह उस कुछ नहीं करना पड़ेगा, इजीली कर सकते। चलिए फटाफट लगाते इधर का, फिर आप लोग का हेड सेंटर दिखाते हैं। तो फाइनल आ चुका हम हेड सेंटर के पास। तो हम लोग चलिए सबसे पहले करेंगे पैकिंग का कटिंग, उनका जो पैकिंग एक्स्ट्रा बढ़ा हुआ है उसको कर लेंगे कटिंग। और उनका स्टडी पिन का जो लगा हुआ, स्टडी पिन का नोका लगा हुआ, स्टडी पिन परफेक्ट तरीके से मेरा लगा हुआ है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर बैठाएंगे पैकिंग, सबसे पहले ओरिजिनल पैकिंग यूज़ करूँगा इसमें, और सफाई का तो बेहतर ध्यान रखें वरना ऑयल लीक का चांस आएगा या आएगा बाद में। फिर यहाँ पर मेरा ओरिजिनल पैकिंग यूज़ कर रहा हूँ, बॉन्ड बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर रहा हूँ, बॉन्ड बिल्कुल यूज़ नहीं कर रहा हूँ। और ब्लैक एक ओरिंग रहेगा नीचे, वहाँ पर लगा देना है ओरिंग भी, ब्लैक ओरिंग मैंने लगा दिया। अब पिस्टन को मैंने सेट कर लिया। अगर इसका फिटिंग देखना चाहते डिटेल के साथ वीडियो, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक जाइए, चेक कीजिए डिस्क्रिप्शन। हम लोग का जो बड़ा हुआ काटा हुआ पोर्शन उसको कार्बोरेटर से रखना है, छोटा काटा हुआ उसको नीचे रखना है, आयन लिखा हुआ उसको नीचे रखना है। अब चलिए इससे उसको सेटिंग करना है। पिस्टन के फिटिंग को डिटेल्स में वीडियो बनाया, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर सकते हैं, मेरा डाल दिया। अब चलिए इसका करेंगे लॉक। अब लॉक लगाने से पहले थोड़ा सा कपड़ा यूज़ कर लिए, तो मैं तो कपड़ा यूज़ करूँगा नहीं, मेरे पास इतना कॉन्फिडेंस है, एक्सपीरियंस है कि मैं लॉक लगा सकता हूँ। चलिए इसको लॉक हम लॉक कर लेते हैं, इस पर आप लोग को फिर दिखाते हैं, सिलेंडर बिठाते हैं। आप लोग का चाहते हैं पर थोड़ा लॉक कपड़ा यूज़ करें, वरना फिर अगर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया उसको तो फिर आपको दोबारा इंजन ओपन करना पड़ सकता है, क्योंकि फिर अब इंजन अंदर चल जाएगा लॉक, तो फिर इंजन को वाट लगने वाला है। तो मैंने लॉक को परफेक्ट तरीके से मैं बिठा लूँगा। हम लोग का देख सकते लॉक ऐसा हम लोग का बैठ चुका है लॉक। अब चलो पिस्टन में थोड़ा सा लूप करेंगे, ऑयल देके हम लोग का सिलेंडर बिठाएंगे। न्यू ऑयल यूज़ कर रहा हूँ, हम लोग का सिलेंडर बिठाएंगे इसमें, हम लोग आए सिलेंडर बिठा देंगे। सिलेंडर किट मैं इसमें डाल रहा हूँ, सिलेंडर किट का प्राइस इसका 3000 समथिंग, 3000 रुपये प्राइस है सिलेंडर किट का, 3000 रुपये इसका सिलेंडर किट का प्राइस है। चलिए इसको मैं इसको सिलेंडर को हम लोग पिस्टन के अंदर इजीली, इसमें गाइस कुछ नहीं करना, थोड़ा सा इधर से हिलाइए आप पेचकस से रिंग को, आप इधर चल जाएगा, सब कुछ नहीं। अगर आप इंग्लिश से भी दाब सकते इसके चल जाएगा, मैं थोड़ा सा इधर रिंग निकल रहा है पेचकस से दाबूंगा। और चलिए जैसे इस तरह से पेचकस से दाब के मैं करूँगा इसको, हम लोग का इजीली चल जाएगा, इसका आप देख सकते हैं इस तरह से ना, कैसे हम लोग का इजीली चल जाएगा, इजीली आप इस तरह कर सकते हैं। चलिए मैंने डाल दिया इसको, अभी चलिए हम लोग का हेड सेंटर पे बिठाए, हेड बिठाने का तैयारी करते हैं। तो चलिए मैं इसको लगा ली, अब थोड़ा सा इसको हेड का परफेक्ट तरीके से हम लोग सिलेंडर परफेक्ट तरीके से बिठा लेंगे स्टडी पिन के साथ। चलो ऊपर कर लेंगे,
हम लोग का बैठ चुका है, देख सकते हैं। अब हम लोग का डिस्प्ले डालेंगे टाइमिंग चेन। टाइमिंग चेन का जो है स्प्लेंडर वाला ही लगने वाला टाइमिंग चेन, इसमें जो स्प्लेंडर में जो हम लोग को टाइमिंग चेन लगता है ना, वही टाइमिंग चेन इसके अंदर लगने वाला है। तो चलिए मैं इसको नीचे बैठा लूँगा। हम लोग का जो क्रैंक का जो स्पॉकेट है उसके साथ मैं इसको अटैच कर दूंगा। मैं कैमरा मैन कोई मेरा है नहीं, इसलिए आप लोग को मैं नहीं दिखा पाता हूँ, इसे थोड़ा सा आप लोग को मैनेज करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग का अब लगाएंगे टाइमिंग चेन गाइड, जिसे हम लोग रोलर भी कह सकते हैं, गाइड भी कह सकते हैं। हम लोग का रोलर गाइड रोलर जो लोग कह सकते हैं इसको। चलिए रोलर लग मैंने लगा लिया। अब इसके अंदर लगाएंगे बड़ा रोलर, जैसे बड़ा गाइड भी कह सकते हैं इसको। चलिए बड़ा रोलर लगा लिया। अब चलो गाइस, हम लोग का स्प्लेंडर राउंड वाला था उसको भी लगा सकते हैं, बट मेरा ये सही है इसमें यूज़ कर रहा हूँ। आपका मर्जी, अगर आपका ऐसा खराब हो चुका नहीं मिल रहा है, तो स्प्लेंडर का मुझे राउंड वाला गोल था उसको यूज़ कर सकते, कुछ मुश्किल नहीं है, यूज़ कर सकते। तो अभी चलिए हम लोग उसका जो पैकिंग मैंने लगा लिया, अभी चलिए इसको इसमें हल्का मात्रा में बॉन्ड के उसके यहाँ बॉन्ड, ताकि गैस की गैस लीक हो सकता है, चांस है, इसलिए मैं हल्का मात्रा में उसके यहाँ बॉन्ड। अब ये टाइमिंग का खेल है, टाइमिंग का खेल का आप लोगों को पता ही है मैं किस तरह टाइमिंग करता हूँ। आप लोग मेरे वीडियो रेगुलर देखते होंगे तो पता ही कि मैं कभी कोई भी इंजन तो पहले ही टाइमिंग करता हूँ कि पिस्टन ऊपर रख कर मैं इस तरह इस प्रकार को लगा लेता हूँ, ताकि मुझे कोई चीज़ वो देखना ना पड़े, मैं का टी मैं का लॉक या किसी भी चीज़ इस तरह टाइमिंग करते ना, काफ़ी सारी चीज़ हम लोग का मेरा का टी कन्फर्म हो जाता है, पिस्टन हम लोग ऊपर है कि नहीं, सब चीज़ को ध्यान देना नहीं पड़ता, इसलिए इस तरह टाइमिंग कीजिएगा। एक किक में स्टार्ट होगा बाइक दोस्तों। तो चलो हम लोग का टाइमिंग मैंने ले लिया है, अभी आप लोग को टाइमिंग भी दिखाऊंगा मैं। अभी चलिए हेड बैठाता हूँ इसका, सारा नरबल टाइट करता है, इसका टाइमिंग भी दिखाऊंगा। काफ़ी सारा भाई कमेंट कर सकते हैं टाइमिंग आपने सही से नहीं दिखाया, तो फिर अभी आपको टाइमिंग भी दिखाऊंगा। तो अभी क्या करेंगे, आप लोग हेड बैठ चुका देख सकते ना, तो अभी इसका जितना भी नट बोर्ड होता है ना सारा चीज़ चार्ज करते हैं, फिर आप लोग इसका मैं टाइमिंग दिखाता हूँ कि टाइमिंग मैंने किस तरह से इसका मैं रखा है, मैंने लॉक मैंने किस जगह पर है और कहाँ कहाँ मैं रखा है। चलिए मैं इसका टाइमिंग दिखाता हूँ, सारा नट बोर्ड टाइट करते फिर आप लोग इसका हमें टाइमिंग इस पर मैं लग चुका मेरा। तो चलो ऐसा ऐसा लगा टाइमिंग दिखाते हैं आप लोग को, बिकॉज मेरा हेड सेंटर कम्प्लीट आप देख सकते हैं। अब इसका टाइमिंग दिखाता हूँ, देखिए मैंने इसका लॉक को इसका सामने रखा है और हम लोग का जो टी है डॉट यहाँ पर मैंने इसका सामने रखा, देख सकते इस तरह इसका टाइमिंग है। अभी इसका टाइमिंग परफेक्ट मेरा बन चुका दोस्तों, देख सकते हैं। इस तरह का मैं टाइमिंग करता हूँ, जो भी मेरा वीडियो देखता है पता है कि मैं पहले ही टाइमिंग करने की कोशिश करता हूँ पिस्टनों पर रख के। मैं पहले डाल के दिखा सकता हूँ पिस्टनों के ऊपर है, पिस्टन वगैरह हम लोग का पूरा टॉप में है, इस तरह टाइमिंग करना। अभी हो हम लोग का पूरा इंजन फिटिंग हो गया, अभी कुछ नहीं करना, यहाँ टाइमिंग प्लेट वाला लगाना, 8 नंबर नट लगा के चले सारा चीज़ फिटिंग करते हैं। फिर आप लोग इसका फाइनल आप लोग को स्टार्ट कर इसका साउंड सुनाते हैं, इसका टाइफेड का सेटिंग आप लोग को बताना है। टाइफेड सेटिंग किस तरह रखना है, उसको 0.67 जो कार्बोरेटर साइड और 0.7 रखना है हम लोग का जो सिलेंसर साइड, इस तरह आपको सेट करना है। चलिए हम सारा चीज़ सेटिंग करते हैं, फिर आप लोग को दिखा इसका फाइनल बाइक और स्टार्ट करके कि इसका साउंड क्वालिटी किस तरह निकलता है। चलिए सारा हम लोग को इधर का जो मैकेनिज्म होता है सारा चीज़ फिटिंग करते हैं, फिर आप लोग को दिखाते हैं। का बाइक रेडी हो चुका है, चलिए आप उसे स्टार्ट करके सारा साउंड सुनाता हूँ। इग्निशन करेंगे ऑन और इसको हम लोग करेंगे स्टार्ट। तो साउंड सुन सकते हैं, पूरा जो शांत साउंड, पहले जो इसका जो साउंड था पूरा खत्म साउंड था, उसका साउंड पूरा शांत जो ऐसा साउंड सुन सकते हैं। तो आप लोगों ने इसका साउंड सुन लिया दोस्तों, किस तरह साउंड है और फुल इंजन की फिटिंग कर आपको दिखा दें। तो वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करना, फिर डेली जानकारी मिलती रहे। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।